हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको एक वर्ड देता हूं, उसका मीनिंग देता हूं और उसके कुछ सेंटेंसेस देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो सेंटेंसेस याद करो ताकि आप बोलने का तरीका सीखें। मैं हर बार यही दोहराते रहता हूं और उम्मीद है कि आप ऐसे कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो अब से शुरुआत कीजिए। मेरे कुछ व्यूवर्स के सुझाव पर मैंने अपने वीडियो में एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेसिस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। और अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड, इससे आपका इंग्लिश वोकैबुलरी भी बढ़ती है। तो उम्मीद है आप मेरा वीडियो एंजॉय करते होंगे। The word for today is initial, beginning, शुरुआत, प्रारंभिक, आरंभिक। At the initial, my salary was very less. आरंभ में, शुरुआत में मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। Sunil made all the initial arrangements for the marriage. सुनील ने शादी की सारी आरंभिक तैयारियां कर ली है। The construction of the building is in the initial stage. बिल्डिंग का निर्माण आरंभिक स्टेज पर है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, What do you call a government by the people? लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चंस के विनर हैं लक्ष्मण काले, निशित निर्भवने और भावना। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, विच मंथ हैज एन एक्स्ट्रा डे इन लीप ईयर? लीप वर्ष में किस महीने में अतिरिक्त दिन होता है? फेब्रुवरी हैज एन एक्स्ट्रा डे इन ए लीप ईयर? लीप वर्ष में फेब्रुवरी में एक अतिरिक्त दिन होता है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ए लीप ईयर कम्स? लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है? ए लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 इयर्स। लीप वर्ष 4 वर्षों के बाद आता है। अगर मेरे इस वीडियो से आपको फायदा होता हो तो इसे लाइक कर देना। नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब है, वहां पर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल शेप बटन आएगा, उस पर क्लिक करना। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे जो सजेस्टेड वीडियोस हैं उन्हें ऊपर स्लाइड कीजिए, उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इससे मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप उसमें क्या चेंजेस चाहते हो, तो कमेंट्स जरूर लिखें। मेरा इस वीडियो का फ्रेश है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिड प्रोग्रेस, तेजी से तरक्की करना, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करना। द कंपनी ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कंपनी ने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की। आफ्टर अटेंडिंग द कोचिंग कैंप, जेस कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कोचिंग कैंप अटेंड करने के बाद जय का अपने काबिलियत पर आत्मविश्वास बढ़ गया। आज के जो एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स हैं वो हैं क्रूएल, काइंड। क्रूएल यानी कि निर्दयी, काइंड यानी कि दयावान। मेरे इस वीडियो का सवाल है, व्हाट डू यू कॉल ए डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी फास्ट इन ए गिवन एरिया?
किसी इलाके में तेजी से फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा विनर्स के नाम के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।